फाइन स्टूडेंट, देखो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एज यूजल चार टॉपिक पढ़ेंगे, 65, 66, 67, 68। देखो 65 में क्या है कि चाइना ने बैन लगा दिया सोलर टेक्नोलॉजी पे, तो इसका असर, इसका बटरफ्लाई असर इंडिया पे भी पड़ेगा। अभी देखने को लगेगा तुमको कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में लड़ाई हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, इसका रिपरकशन इंडिया पे भी पड़ेगा। अब ये बोल रहा है, देखो जो सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल देखते हो ना सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल, ये भी डिफरेंट प्रोसेसिंग से आ रहा होता है। पहले वो पॉलीसिलिकॉन होता है, फिर इनगॉट्स होता है, फिर दूसरा वेफर आता है, वेफर के बाद तुम्हारा ये सेल बनता है, सेल के बाद मॉड्यूल बनता है। तो इसका चार पांच प्रोसेस होता है। अब इसने क्या किया कि जो सबसे टेक्निकल जो प्रोसेस है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है, वो बोला कि वो नहीं बेचेंगे अब हम। तो इससे क्या हुआ कि दूर दूर तक, दूर दराज का जो यूरोप कंट्री है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो भी सफर होगा और इंडिया तो सफर होगा ही होगा। इसलिए बटरफ्लाई इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर भी। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब क्या है कि देखने को तुमको लगेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का वार है, पर असर इंडिया को भी पड़ेगा। डेट्स कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। समझ में आ गया ना स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। 66 देखो, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को भी अप्रूवल दे दिया है। ये क्या होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज? सेबी जानते हो, सेबी मार्केट जो है कैपिटल मार्केट है ना, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज सब ऊपर नीचे जाता है, NSE हो चाहे BSE हो, है ना, भारत स्टॉक एक्सचेंज होता है ना जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब सॉरी भारत बोले, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें क्या कि शेयर लगता है और शेयर खरीदता है लोग, म्यूचुअल फंड, ये सब तुम्हारा सेबी के अंदर ही आता है। अब इसमें क्या है कि तुम चाहोगे ना तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा लगा सकते हो। क्या होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज? देखो नॉर्मली तुम जाओगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दोगे, NGO को पैसा दोगे कि हमारा पैसा लो और गरीब दुखिया को ठीक कर देना, गरीब दुखिया को बांट देना। पर वो कितना गरीब दुखिया को दे रहा है तुमको क्या पता, हो सकता है वो अपना झोली भर रहा हो। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा मिसिंग रहता है NGO सबका। बट अब अकाउंटेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इस चीज़ को समझा गया कि अब तुम्हारे ऐसा मेरे ऐसा आदमी भी ना पैसा दे सकता है, और ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में तुमको रिपोर्ट भी दे देगा कि हम इतना इतना खर्च किए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, इतना इतना जनरेट हुआ, देखिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा तुमको, पहले NGO को देते थे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। तो कॉमन आदमी भी अब लगा सकता है। अब पैसा तो बहुत सारे लोग पास तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, पैसा बहुत सारे लोगों के पास पड़ा हुआ, उसको रख लो, पेन को साइड में रख दो। 67 देखो, म्यूजिकल चेयर्स नेपाल में, अभी सुबह दिखाए थे न्यूज़। अरे देखो नेपाल का स्थिति क्या बताएं, नेपाल में इतना ज़्यादा स्थिति खराब है कि कभी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा है, ठीक है स्थिति, क्योंकि दो तीन जो मेन प्रमुख पार्टी है, एक कांग्रेस है, एक फिर OP ओली साहब का एक पार्टी है, एक प्रचंडा का पार्टी है ना, कम्युनिस्ट वाला पार्टी है, और एक तुम्हारा दूसरा पार्टी है। तीन पार्टी हमेशा तुम्हारा ज़्यादा यही जीतता है 275 सीट में, 275 सीट से टोटल वहाँ पे, जैसे वहाँ हमारा यहाँ 545 सीट है ना, तो वहाँ 275 है, बट उसका सिस्टम अलग है। बहुत सारा सीट तुम्हारा फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम होता है, फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीत गया। मैं बहुत सारा सीट रिजर्व होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेके, कि इसमें इतना आदमी पहुँचेगा ही पहुँचेगा। जैसे इंडिया फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम यूज़ करता है, हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इजराइल देखो हमेशा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनता है, हाँ इसलिए पावर शेयरिंग होता है। वेरी नाइस। तो सेम इसने क्या किया, यूके ने, नेपाल ने क्या किया, दोनों को यूज़ किया, फर्स्ट पास फर्स्ट सिस्टम भी यूज़ किया है जैसे इंडिया में है, और दूसरा क्या है, कई सीट के लिए तुम्हारा क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पे फिर शेयरिंग होगा, वोट शेयरिंग होगा, और उसके हिसाब से आएगा। अब पता चलता है कि हमेशा जब जीतता है तो किसी को बहुमत ही नहीं मिलता है, अब बहुमत नहीं मिलता है तो उसके बाद आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी एक दूसरे से गठबंधन बना के बन जाता है पार्टी, मतलब सरकार बना देता है, और फिर सरकार बनता है तो फिर एक खींच लेता है, फिर सरकार गिर जाता है, फिर दूसरा सरकार बनता है। तो ये हालत तो अभी अभी से है, 2008 में मोनार्क हुआ, मोनार्क से रिपब्लिक बना। नेपाल देखो, नेपाल का 2008 में किंगशिप खत्म हो गया और वो मोनार्की से रिपब्लिक बना, 2015 में संविधान लिखाया, और संविधान लिखाने के बाद भी अभी भी स्टेबल नहीं है। नागालैंड का इशू अलग है, दे दिया तो देखा, अलग 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 है सब स्थिति, देख रहे हो ना, कुछ से कुछ हो रहा है अलग अलग जगह पे। तो वही बोला कि म्यूजिकल चेयर्स नेपाल में है ना, इंडिया को ना ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। इंडिया देखो ना, इंडिया ने अपना हाथ जलाया कि नहीं जलाया 2015 में, मोदी जी जीत के गए वहाँ पे, नेपाल में भाषणबाजी दे दी, उसका असर क्या पड़ा। इसलिए इंडिया को ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए।
इंडिया को केवल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, क्योंकि यह हर समय ना नेपाल आरोप लगाता है कि विदेशी हाथ का ताकत है। विदेशी क्या भाई, तुम खुद नहीं स्टेबल रह पा रहा है, अपना सरकार को ले पा रहा है, तो विदेशी है। इसलिए इंडिया को ना फूक फूक के कदम रखना चाहिए, इंडिया को डेवलपमेंट तक ही बात करना चाहिए, पावर पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ही बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो नेपाल का मामला बहुत फ्रेजाइल है और नेबरिंग स्टेट है हमारा, जानते हो चाइना की तरफ चला जाएगा तो ऐसे भी चला ही गया था, तो उसको साध के रखना चाहिए। उसको साध के रखना है तो बस आप डेवलपमेंट प्रोग्रेस पे ही काम करो, बाकी जो भी चल रहा है वो चलने दो उसको, ठीक है। ये एसेंस है, अभी करना भी नहीं है, एक बार हो चुका है, बुरा एक्सपीरियंस हुआ है इंडिया को, समझा। 2015 में बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ हमें, खाई झूठों का जाकर वहाँ पे पार्लियामेंट में झूठों का इन्फॉर्म दे देना है, मोदी जी का स्पीच, उसके वजह से कितना रिपरकशन हुआ है उसका, बहुत नेगेटिव असर पड़ा था। अब देखो उसका 68 देखो, इंडिया कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, बताओ इंडिया का ना कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, नेशनल फॉरेस्ट स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब इस तरफ इस चीज़ को लेकर हमें सोचना पड़ेगा, ये क्या होता है नेशनल फॉरेस्ट स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होता है, उसके आधार पे ना हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हम बात करते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसा हो, टिम्बर कहाँ से यूज़ होना चाहिए, इसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे यहाँ BIS स्टैंडर्ड होता है ना, ज्वेलरी के ऊपर भी स्टैंडर्ड रहता है, हॉलमार्क रहता है, तो टिम्बर के लिए भी एक हॉलमार्क होता है, वर्ल्ड पे आता है, जो कि इंडिया में मिसिंग है, तो इंडिया में इसके ऊपर काम करना होगा। पहले भी सरकार में बहुत बार प्रपोजल आया बट ये मेटलाइज नहीं हो पाया ठीक से, तो इसके ऊपर इश्यू है, हम समझेंगे इस क्लास में। देखो यहाँ 65 शुरू करते हैं स्टूडेंट, ये GIS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये बिजनेस लाइन में 24 फरवरी को आया था 2023 को। तो देखो है मामला क्या है, देखो पहले सिंपल समझो, यहाँ पे सिंपल तरीका समझो। अब सो सोलर टेक्नोलॉजी यूज़ होता है स्टूडेंट, मैं बताता हूँ तुमको एकदम इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। अब सब कंट्री को स्पेशली इंडिया ऐसा कंट्री को आप जाना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या ऑप्शन बचता है, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी ज़्यादा, तो यही दो इंपॉर्टेंट है। और विंड एनर्जी से भी आगे सोलर एनर्जी का काम होता है, अभी इंडिया में सोलर एनर्जी पर बहुत काम हुआ है। तो सोलर एनर्जी के काम होने का मतलब क्या है कि जितने भी सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सब पे काम होना। अब जो भी मॉड्यूल्स बनता है, मॉड्यूल्स मतलब जो तुम्हारा सनलाइट को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल एंड सेल, है ना। जैसे जाते हो ना झारखंड जाते हो, देखते हो ना पूरा सोलर पैनल बिछाया रहता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल, उसको मॉड्यूल बोलते हैं, उसी को सेल बोलते हैं, जहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। अभी कितना परसेंट एफिशिएंसी है, 20-25% एफिशिएंसी है, बस इतना ही एफिशिएंसी है, ज़्यादा नहीं है। यानी कि 100% तुम्हारा लाइट गया तो उसका 20-25% ही इलेक्ट्रिसिटी कवर होता है। तो अभी भी नेशन स्टेट में ही टेक्नोलॉजी, अभी आता कैसे, तो ये सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल कैसे बनता है, तो ये भी प्रोसेस से बनता है। पहले पॉलीसिलिकॉन होता है, पॉलीसिलिकॉन के बाद दूसरा स्टेज आता है इनगॉट का, INGOT इनगॉट का, इनगॉट के बाद वेफर आता है WAFER वेफर, वेफर के बाद सेल बनता है, सेल के बाद मॉड्यूल बनता है, सेल मतलब वही CLL सेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट को एब्जॉर्ब करने का, एंड देन मॉड्यूल आता है। ये 5 स्टेज इन्वॉल्व रहता है सोलर टेक्नोलॉजी में। अब आप समझो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है वो 3 स्टेज है। पहला का स्टेज है पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट और वेफर, ये तीनों में ना बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, और इंडिया इसमें कुछ नहीं जानता है। अब इंडिया क्या करता है, वेफर मंगवा लेता है वहाँ से, चाइना से, लेकिन वेफर में ही काम हो रहा है खतरनाक, और इंडिया में उतना मैन्युफैक्चरिंग हब भी नहीं है कि वेफर पे काम करे, वो मंगवा लेता है, उसके बाद वैल्यू एडिशन करता है, क्योंकि सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है वेफर का टेक्नोलॉजी जानना, और वेफर पर टेक्नोलॉजी जो दिन रात चेंज हो रहा है। तो अब चाइना क्या बोल रहा है कि जो वेफर का टेक्नोलॉजी वो हम नहीं बेचेंगे, और केवल चाइना के पास ही है। अब ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो है ना, वर्ल्ड में चाइना का 95% कंट्रोल है तीनों पे, यानी कि इसमें यूरोप भी पीछे है, US भी पीछे है, एक ही कंट्री सबसे आगे है वो चाइना है। अब चाइना क्या बोल दिया कि वेफर हम नहीं बेचेंगे, तब तो वर्ल्ड तो गया फिर काम से, क्योंकि वर्ल्ड ने प्रण लिया है कि हम सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे, जितना रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे उतना फसल फ्यूल से जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो कोयला जला के होता है उसे कम होगा, क्योंकि इधर सोलर एनर्जी आ जाएगा। बट इस तरह का चाइना का डिसीजन जो है वो पूरा वर्ल्ड मार्केट खत्म कर सकता है, और इंडिया को कॉन्शियस होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और इंडिया क्या करना चाहिए, जो लाइक माइंडेड कंट्री है, डेवलप कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर अच्छा अच्छा कंट्री हो गया जो कि इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकता है, उसके साथ कोलैबोरेशन होकर काम करना चाहिए हमें। तो देखो इशू, देखो
समझ में आ जाएगा तुमको। चाइना रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ कोर सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। कोर सोलर पैनल टेक्नोलॉजी का मतलब है वेफर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या पहले वाला स्टेज पॉलीसिलिकॉन वाला, उसमें बैन करना चाहता है चाइना। देखो, चाइना रिसेंटली अमेंडेड इट्स रूल, अपने रूल को बदला है इसने और बोला है कि जो कोर सोलर पैनल टेक्नोलॉजी है उसको हम बैन कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो लीडरशिप है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज शेयर है वर्ल्ड में, उसको हम कायम करके रखना चाहते हैं। क्योंकि चाइना को डर है कि जब वो वेफर बेचता है तो वो टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र हो जाता है। सही भी बात है कि वेफर में टेक्नोलॉजी नो हाउ है, उसमें टेक्नोलॉजी छुपा है, उससे कंट्री का दिखता है कि क्या क्या कर रहा है कंट्री, वो जानबूझ को बैन करना चाहता है। चाइनीज़ फार्म ने कहा, देखो वही बोला कि चाइनीज़ फार्म कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो और अच्छा प्रोड्यूस करता है, थीनर बना रहा है, स्मार्टर वेफर बना रहा है। और देखो मेन चीज़ यही है कि यदि तुम सोलर पावर का पैसा कम करना चाहते हो, अभी मान लो 100 रुपया में है, तो 100 रुपया में 90 रुपया तो तुम्हारा यही फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज में ही लगता है। यानी कि वेफर जितना सस्ता हो उतना तुम्हारा सस्ता ये होगा। तो वही बोल रहा है कि ये जो जितना थीनर हो, जितना बिगर हो, जितना स्मार्टर हो, इससे क्या होगा कि जो सोलर पावर होगा वो 90% दाम उसका कम हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज है ना, ये स्टेज इंपॉर्टेंट है। ये स्टेज में यदि पैसा कम लगे तो ओवरऑल पैसा बहुत कम लगने वाला है, और 90% तो यहीं पर लगता है पैसा। समझ में आ गया ना, 5 स्टेज होता है स्टूडेंट। हाँ, अब देखो, यदि इंडियन मैन्युफैक्चर ओल्ड वेफर की तरह यूज़ करे तो भाई उसका तो बहुत पैसा लगेगा, कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि ओल्ड वेफर तो ओल्ड वेफर सही नहीं है, क्योंकि न्यू वेफर में बार बार टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और नए नए चीज़ उसमें हो रहे हैं। जब नए नए चीज़ हो रहे हैं तो कॉस्ट कम हो रहा है। बट यदि इंडिया वर्ल्ड ओल्ड वेफर के हिसाब से चलेगा तो फिर अभी भी महंगा होगा इंडिया का फिर, और इंडिया का उतना इकोसिस्टम भी डेवलप नहीं हुआ, उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं जानता इंडिया, तो ऐसे केस में बहुत गंदा बटरफ्लाई इम्पैक्ट होने वाला है। वो तो बोल रहा है, वो तो डायरेक्ट धमकी दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, बस असर इंडिया भी पड़ेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बैन इज नॉट एन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश मटेरियल बट इज टारगेटेड ऑन द टेक्नोलॉजी। देखो, ये केवल जो बैन कर रहा है, चाइना बोल रहा है कि हम बैन करेंगे, ये फिनिश मटेरियल पे वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि वेफर में टेक्नोलॉजी है और वो बैन करना चाहता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। और इससे एडवांस सोलर वेफर का जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है वो पता नहीं चल पाएगा, और इससे जो हमारा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था सोलर सिस्टम का, वो इम्पैक्ट हो जाएगा, चाहे इंडिया का हो, US का हो, यूरोपियन यूनियन का हो, हर कंट्री ही तुम्हारा रिलाई करता था चाइना के ऊपर। तो समझ रहे हो ना, इसका असर इस लेवल पे पड़ने वाला है स्टूडेंट। आगे देखो, इंडिया ने क्या डिसीजन लिया था कुछ दिन पहले। इंडिया बोला कि इम्पोर्ट ड्यूटी हम सोलर पैनल और सेल पर बढ़ा रहे हैं। देखो, बट वेफर पर नहीं बढ़ाया इंडिया ने, वेफर पर 0 ड्यूटी है। इम्पोर्ट ड्यूटी समझते हो ना, वहाँ से पैसा आ रहा है तो यहाँ पे वो लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना। बुझने आता है तुम लोग को इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? इतना कमज़ोर विद्यार्थी लोग बैठा हुआ क्लास में। देखो यहाँ पे, इंडिया डिसाइडेड टू डिस्करेज चीप, इंडिया ने क्या बोला कि जो वहाँ से जो आ रहा है, सस्ता जो आ रहा है, चाइनीज़ इम्पोर्ट हो रहा है तुम्हारा सोलर पैनल और सेल, उसके ऊपर लगा दिया ड्यूटी, लगा दिया 40% ड्यूटी, लगा दिया 25% ड्यूटी, लगा दिया 40% तुम्हारा सोलर मॉड्यूल पर लगाया है और 25% तुम्हारा सेल पर लगाया है। ये इसलिए लगाया है ताकि डोमेस्टिक मार्केट तुम्हारा बचे रहे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में हमारा सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चर होता है, सोलर सेल भी मैन्युफैक्चर होता है। बट व्हाट अबाउट द वेफर? देखो, वेफर पे कुछ नहीं है। बट इंटरेस्टिंगली देखो, इंडिया ने बोला कि 0 ड्यूटी लगेगा सिलिकॉन वेफर पर, क्योंकि इंडिया का तो बुद्धि है नहीं कैसे सिलिकॉन वेफर बने, क्योंकि सिलिकॉन वेफर आ जाएगा तो आराम से तुम सोलर पैनल बना सकते हो, आराम से तुम सोलर मॉड्यूल्स बना सकते हो, उस पर ड्यूटी नहीं लगाया, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा था। ये इस चीज़ पर भी हम समझ सकते हैं कि आखिर वेफर पे क्यों नहीं लगा इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि वेफर पे औकात नहीं है हमारा वेफर बनाने का। यदि वेफर पे ड्यूटी लगा देंगे तो महंगा हो जाएगा टेक्नोलॉजी फिर कंट्री में, समझ रहे हो ना। और इसी पे बोल रहा है कि अब हम नहीं बेचेंगे ये चीज़, चाइना बोल रहा है, तो इंडिया तो लूजर रहेगा, क्योंकि इंडिया ने तो प्रण ले लिया ग्लास्को समिट में भी कि हम इतना तुम्हारा सोलर एनर्जी से क्रिएट करेंगे एनर्जी, समझ रहे हो, तो इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया का। चाइना इम्पोज बैन, देखो चाइना ने जो बैन किया वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से बैन किया है। देखो, वेफर जो कि अल्ट्रा थिन सिलिकॉन स्क्वायर्स होता है ना, जिसको बाद में जाकर सोलर पैनल्स बनाया जाता है, आगे जाके ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर 97% कंट्रोल है चाइना का वेफर पे, और ये वेफर निरंतर चेंज होते चला जाता है, और चाइना इसमें बेस्ट है टेक्नोलॉजी के मामला में। ये बैन इसलिए किया, देखो अभी जो बैन है ना, बैन कोशिश यही किया गया है कि जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम है
एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दस मेकिंग की नेशंस डिपेंडेंट ऑन, ये जानबूझ किया गया है कि ताकि बाकी कंट्री को स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि बाकी कंट्री पूरा डिपेंडेंट है चाइना पे, और पूरा जितने भी की नेशंस है जो चाइना पे डिपेंडेंट है उसका स्थिति खराब हो जाए। तो वही बोला कि बैन इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सप्लाई चेन सिस्टम, क्योंकि हर कंट्री बोलता है ना कि अल्टरनेटिव सप्लाई चेन सिस्टम करेंगे, यानी कि चाइना पे डिपेंड नहीं होना है, दूसरे कंट्री के साथ हम साथ घाट करके हम काम करेंगे। हर कंट्री ही बोलता है कि चाइना से दूर जाना है, चाइना प्लस वन पॉलिसी आया था ना, चाइना प्लस वन पॉलिसी, या फिर चाइना से विन अवे होना है। अब तुम विन अवे हो के दिखाओ यहाँ पे। अब जब चाइना ही नहीं वेफर में आएगा तो चाइना जिसको वर्ल्ड कंट्रोल 97% कंट्रोल है जिसका वेफर पे, और वो कंट्री बोल रहा है कि हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे वो टेक्नोलॉजी को, तो अल्टरनेटिव मॉडल डेवलप नहीं हो सकता है। अल्टरनेटिव मॉडल डेवलप करना है तो बाकी जितने भी कंट्री है टेक्नोलॉजी वाला कंट्री, उसको बहुत ज़्यादा ही शोध करना पड़ेगा इसके ऊपर, और बाकी कंट्री पर असर पड़ने वाला है इसका। देखो अब देखो ब्रीफ थोड़ा सा समझ लो कि क्या सोलर मॉड्यूल्स में क्या क्या जरूरत है। देखो फर्स्ट स्टेज, देखो पॉलीसिलिकॉन इंगोट एंड वेफर, ठीक है, इंगोट एंड वेफर, ये जो स्टेज होता है पहला थ्री स्टेज, इसमें ही देखो 60% डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, यानी कि एक सेल बनने में ना 60% पैसा तो यहीं पे लग जाता है, 60% ए टोटल ऑफ अराउंड 60% डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लार्जर एजाइलर और स्मार्ट सोलर पैनल इज लेयर्ड इन द थ्री इनिशियल स्टेजेस, यानी कि पॉलीसिलिकॉन इनगॉट और वेफर, ये तीनों स्टेज में 60 रुपये से ज़्यादा तुम्हारा कॉस्ट लगता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे देखो पॉलीसिलिकॉन कैसे बनता है, पॉलीसिलिकॉन तुम्हारा सैंड से निकाला जाता है, वो भी तुम्हारा गैस गजलिंग प्रोसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा हीट किया जाता है, सैंड को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, तो यानी कि पॉलीसिलिकॉन को बहुत ज़्यादा सैंड से निकाला गया, पॉलीसिलिकॉन को समझो सैंड से पॉलीसिलिकॉन कैसे निकलेगा, बहुत टेम्परेचर हाई करने पर, तो सैंड से पॉलीसिलिकॉन निकला, और उसका देखो पॉलीसिलिकॉन से फिर सिलिकॉन को अलग किया जाएगा, क्योंकि पॉलीसिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, तो ऑक्सीजन से उसको अलग करना पड़ेगा और सिलिकॉन निकालना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए बहुत प्रोसेस इन्वॉल्व है कि टू रिमूव सिलिकॉन द ऑक्सीजन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द सैंड, समझ रहे हो, तो सैंड से उसको निकालना पड़ेगा। अब उसका देखो आएगा प्रोसेस क्या है, अब तुम निकाला, उसके बाद देखो हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, यानी कि बहुत एनर्जी कंज्यूम होता है, तब जाके तुम्हारा क्या निकलेगा, लास्ट में सिलिकॉन अलग करके निकलेगा और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अभी तुम्हारा जो भी निकला है सिलिकॉन जो निकला है वो ऑक्सीजन के साथ निकला है, अब फिर सिलिकॉन और ऑक्सीजन को सिलिकॉन ऑक्साइड निकला है, ऐसा ही O2 निकला है, O2 को अलग करना पड़ेगा, O2 को अलग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, बहुत पावर चाहिए होता है, तो फिर उसको अलग करना पड़ेगा तुमको। उसके बाद तुमको इनगॉट मिलेगा, फिर इनगॉट का भी बहुत डिफरेंट स्टेजेस होता है केमिकल प्यूरिफिकेशन का, समझे, तब जाकर वो वेफर बनता है, और वेफर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तुम्हारा स्मार्टर सेल और मॉडल बनने के लिए। तो इसलिए जो पहला स्टेज सेकंड पॉलीसिलिकॉन इनगॉट और वेफर जो स्टेज है वो अपने आप में बहुत जटिल स्टेज है, और उसमें टेक्नोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, यदि टेक्नोलॉजी नहीं जानोगे तो नहीं निकल पाएगा, बात समझ में आ गया ना। और यही तीन स्टेज में तुम्हारा पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है, 60% तुम्हारा जो भी सोलर मॉड्यूल्स का जो भी पैसा आता है, यदि मान लो 100 रुपीज़ है तो उसका 60 से लेकर 70 रुपीज़ तो यहीं पर खर्च होता है इसी स्टेज में। आगे देखो इंडियन फार्म्स अनडाउटली नीड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, देख रहे हो ना, इसलिए इंडियन फार्म्स को क्या चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए। जब इस तरह चाइना बैन करना चाहता है तो इंडियन फार्म्स को भी चाहिए कि लाइक माइंडेड कंट्री जहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है वैसे कंट्री से हाथ मिलाए, और इस तरह जो बैन हुआ है तो इंडिया का जो डोमेस्टिक है उस पर असर ना पड़े, क्योंकि इंडिया का एमिशन बहुत बड़ा है सोलर टेक्नोलॉजी को लेकर, और इस बीच में यदि चाइना ऐसा कर रहा है तो असर गंदा पड़ने वाला है। स्टूडेंट देखो, तो इंडिया को ना क्या करना चाहिए, ओवर टेक्नोलॉजी परचेस करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन भारत में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार की तरफ से, यानी कि पॉलिसी आना चाहिए इस हिसाब से, जॉइंट कोलाब्रेशन होना चाहिए जापान से, साउथ कोरिया से, वेस्ट से, ताकि जो चाइनीज़ का एजेंडा है, जो चाइनीज़ बढ़ने नहीं देना चाहता है सोलर टेक बैन लगा के दूसरे कंट्री को, ये एजेंडा ख़त्म हो सके इसके लिए ज़रूरी है कि जापान, साउथ कोरिया और वेस्ट से हम कोलैबोरेट करें। इंडिया के पास इन हाउस मटेरियल नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं, पता नहीं है कि कैसे वेफर बनता है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उतना नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतना नहीं है, स्पेशली थ्री स्टेजेस में, जब थ्री स्टेज में नहीं है तो कोलैबोरेट करना होगा, जो टेक्निकली नो कंट्री है उस सबसे कोलैबोरेट करना होगा आपको, और जो हमारा पॉलिसी है चाहे इंसेंटिव के फॉर्म में हो या सब्सिडी के फॉर्म में हो, वो ज़्यादातर वो तीन स्टेज को ही देखे ठीक से, वही पॉलीसिलिकॉन को, इनगॉट को और तुम्हारा वेफर को, जिसके वजह से सेल बनता है, ये तीन स्टेज पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट बात समझ में आ गया ना, तो आगे फॉर वे फॉरवर्ड क्या है,
इस तरह का जो बैन किया गया ये हमें देखने को तो लगेगा कि टेक वार है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इसका बटरफ्लाई इफेक्ट पड़ेगा हमारे कंट्री के ऊपर भी। दोनों के बीच में दिखता है बट असर पड़ेगा हमारे, देखो असर तो पड़ेगा हमारे ऊपर। तो इसलिए जो चैलेंजेस है अलग अलग स्टेज का मैन्युफैक्चरिंग का, स्पेशली थर्ड स्टेज तीन स्टेज का, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें पूरी तरीके से कोलैबोरेट करना चाहिए, जॉइंट रिसर्च करना चाहिए, को डिज़ाइन करना चाहिए, को डेवलप करना चाहिए, को प्रोडक्शन करना, स्पेशली थ्री स्टेज पर काम करना चाहिए, तब जाके हम अपने कंट्री को बचा सकते हैं। अन्यथा जो हमने प्रण लिया है ग्लास्को सबमिट में या इससे पहले पेरिस अग्रीमेंट में, वो हमारा प्रण पूरा नहीं हो पाएगा एनर्जी को लेके। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, सेबी अप्रूवल फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट डज दिस मीन। अब सेबी ने क्या किया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को भी अप्रूव कर दिया। हालांकि ये नया चीज़ नहीं है, 2019 में ना, जो हमारे उस समय के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा था ये चीज़ कि आने वाले समय में हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज को भी लाएंगे। अब देखो कहाँ 2019 में बोला गया और ठीक 4 साल बाद अप्रूवल मिला है, तो हम कह सकते हैं कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये पढ़ना है, देखो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 2 मार्च को। देखो क्या है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ सब है, इसमें बढ़िया समझो। इसमें हम कोशिश करेंगे अधिकतर तुम्हारा कट टू कट बता, मतलब वो बताने का, बहुत टेक्निकल चीज़ है, बढ़िया समझो, फोकस करके समझो इस चीज़ को, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। देखो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूव कर दिया SSE, मतलब वही सोशल स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूव कर दिया। क्योंकि हमारे कंट्री में कौन सा दो है ना जी, BSE है, BSE मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, और तुम्हारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर एक्सचेंज बिकता है, शेयर बिकता है, कैपिटल मार्केट का हिस्सा है ये बात समझे। तो NSE ने बोला कि ठीक है, NSE ऑफ इंडिया रिसीव द फाइनल अप्रूवल, कि ठीक है जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी से उसको अप्रूवल मिल गया कि NSE बिल्कुल सोशल स्टॉक एक्सचेंज को वो कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है और लोग सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है समझ गए, ये चीज़ हम देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, देखो यूनियन बजट 2019 में ये बोला था और देखो अभी जाके अप्रूवल मिला है सेबी के द्वारा और NSE ने इस चीज़ को अप्रूव किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने उस समय कहा था कि यस जरूरी है कि हमारा कैपिटल मार्केट भी ना मासेस का ध्यान रखे, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को पूरा करे, तभी जाके हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगा। इंक्लूसिव मतलब सबका साथ सबका विकास, ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, यानी कि आदमी को ना आदमी के घर में पेंशन पहुंच सके, आदमी के घर में पैसा पहुंच सके। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जांपल है कि नहीं है, कि आदमी बैंक अकाउंट से जुड़ता है तो आदमी को फैसिलिटी है, आदमी को मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये उस समय वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रावधान यदि हमारा स्टॉक मार्केट में भी आ जाए, कैपिटल मार्केट में भी आ जाए, तो इससे मैसिव ग्रोथ होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तुम्हारा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा और लोग को बहुत फायदा होगा। ये 19 का भाषण है और ये 4 साल बाद बिल्कुल इसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। देखो न्यू रेवेन्यू फॉर सोशल इंटरप्राइजेस, और देखो फायदा क्या होगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट एक तरह से न्यू रेवेन्यू जनरेट करेगा, किसके लिए, सोशल इंटरप्राइजेस के लिए। अब देखो क्या है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन वो बोला कि हम सोसाइटी के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, हमको इतना इतना पैसा दो, तो लोग देगा पैसा उसको, और बाद में जो भी पैसा देगा, जो भी वो इंटरप्राइजेस खर्च करेगा कहीं पे भी, उसका अकाउंटेबिलिटी के मामले में वो कुछ दिखा देगा कि देखो हमें इतना इतना तुम पैसा दिए थे हमको, तो हमने इतना जॉब क्रिएट किया सोसाइटी में, हमने इतना लोगों को पढ़ाया, हमने इतना अनाथ आश्रम खोला, हमने इतना ट्रांसजेंडर को हेल्प किया, हमने इतना किया, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर अभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते तो हमको पता नहीं चलता कि वो हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। जैसे अभी भी डोनेशन होता है ना, अनाथ आश्रम सब में डोनेशन होता है, तो कभी तुमको बताएगा कि ना इतना अनाथ आश्रम में हम पैसा दिए, हो सकता है बीच में ही खा जाए, बट ये हमेशा अकाउंटेबिलिटी लेके आएगा। तो वही चीज़ वहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट कि SSE सेगमेंट क्या है कि न्यू रेवेन्यू सोशल इंटरप्राइजेस के लिए न्यू रेवेन्यू क्रिएट करेगा, वही सोशल इंटरप्राइजेस जो कि अच्छा काम करना चाहता है, उसको पैसा चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ये सोशल इनिशिएटिव है। इससे और क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगा कि जो पैसा फंड मोबिलाइज किया जा रहा है उसका कहाँ जा रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, इसके बारे में जान भी पाएगा। देखो दोनों ही नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है तुम्हारा इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, और साथ साथ जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दोनों क्यों पार्टिसिपेट कर सकता है, देखो जैसे एग्जांपल देखो समझो, जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है, वहाँ कुछ कुछ पैसा तुम्हारा सोशल इंटरप्राइजेस में भी उस पर भी खर्च करेगा,
अच्छे काम में भी खर्च करेगा, प्रॉफिट भी कमाएगा, कुछ खर्च करेगा, तो दोनों को ही अलाउड है। और जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है इसके लिए थोड़ा लिबरल रूल्स भी है, बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए लिबरल रूल नहीं है, उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स है। इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स है कि भाई जो तुमको पैसा मिला सब खर्च करना होगा और तुमको क्वार्टर वाइज अकाउंटेबिलिटी दिखाना होगा। बट जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है उसको हाफ ईयरली या वन ईयर में अकाउंटेबिलिटी चेक करना दिखाना पड़ता है। समझ में आ रहा है अंतर? समझ में आ रहा है दोनों को? देखो समझो, यहाँ पे जो तुम्हारा NPOs है यानी कि नॉट प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस हो, इसको इसलिए बनाया गया है, ऐसी सेगमेंट में डाला गया है ताकि ये लोग सोशल इंटेंट वाला काम कर सके, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके। अब सोसाइटी के लिए अच्छा काम क्या है तो समझो, यहाँ पे सब लिखा जाएगा यहाँ पे। देखो तो कैसे समझे हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे समझना होगा हमें कि SSE तुम्हारा एक सेपरेट सेगमेंट के रूप में काम करेगा। अभी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसी के साथ काम करेगा, उसी के साथ वो अटैच रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो भी आएगा, जितने भी सोशल इंटरप्राइजेस है, वो जो फंड उठाएंगे पब्लिक से, ठीक है, वो तुम्हारा काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा? सोशल इनिशिएटिव के लिए काम करेगा। और सोशल इनिशिएटिव बहुत तरह का हो सकता है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। जैसे रिटेल इन्वेस्टर है, तुम्हारे ऐसा मेरे ऐसा आदमी जो है, तुम्हारे ऐसा मेरे ऐसा आदमी, वो कभी भी NPO में नहीं लगाएगा, यानी कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगाएगा। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन पैसा खर्च करेगा? तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर से बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में जो होता है ना, इंस्टीट्यूट बड़ा बड़ा पैसा वाला, जो इंस्टीट्यूट वाला खर्च करेगा डायरेक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वो खर्च करेगा। या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, वो पैसा देगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी, वो हमेशा प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस में देगा, क्योंकि हम लोग के पास पैसा ही कम है, हम लोग कहाँ से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हम यदि प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस में दे रहे तो हमारा पैसा रिटर्न्स भी होगा और कुछ कुछ पैसा तुम्हारा उधर भी सोशल वेलफेयर के लिए भी खर्च होगा। इसलिए सरकार ने डेलिबरेटली ये चीज़ को रखा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो पैसा खर्च करेगा वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खर्च करेगा और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल वाला खर्च करेगा, क्योंकि इसका पैसा, ये पैसा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है। बट रिटेल जो इन्वेस्टर है, तुम्हारे जैसा मेरे जैसा आदमी है, वो कहाँ पे खर्च करेगा? प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस में खर्च करेगा, क्योंकि उसको थोड़ा रिटर्न्स भी मिल सके और कुछ पैसा तुम्हारा उधर भी जा सके सोशल वेलफेयर के लिए भी। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? देखो वही चीज़ नीचे लिखा गया कि रिटेल जो इन्वेस्टर है वो केवल तुम्हारा प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस में खर्च कर पाएगा, वहाँ पे पैसा लगा पाएगा, समझ गए ना? और ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल वाले ही तुम्हारा खर्च कर पाएगा किसमें, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में खर्च कर पाएगा। बात समझ में आ गया ना? वही चीज़ लिखा गया है। आगे देखो आखिर क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ काम होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज आखिर कौन सा सेगमेंट को लेगा, कौन सा सोशल इनिशिएटिव को लेगा। तो वही चीज़ के बारे में जानकारी दिया गया है स्टूडेंट, कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है NPO या फिर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है, जो कि तुम्हारा सोशल इंटेंट के साथ आना चाहता है और अपने आप को सोशल इंटरप्राइजेस कहलाना चाहता है, वो सबसे पहले तो तुम्हारा रजिस्टर करेगा वो, और SEBI से अप्रूवल लेगा, ले लिया अप्रूवल, और वहाँ पे वो SSE स्टॉक रख देगा वहाँ पे, यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो वहाँ पर शुरू कर देगा। अब ये इंटरप्राइजेस क्या क्या चीज़ के लिए खर्च होगा? देखो हंगर के लिए, भुखमरी खत्म करना है, पॉवर्टी खत्म करना है, माल न्यूट्रिशन देखो, इनइक्वलिटी देखो, एजुकेशन को प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, इक्वलिटी को प्रमोट करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, या LGBT कम्युनिटी का उत्थान करना है, तो ये सब पैसा वहाँ पर पैसा खर्च होगा। बात समझ रहे हो ना? और ये दोनों कर सकता है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है प्लस प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस भी कर सकता है। दोनों ही क्या है, सोशल इंटरप्राइजेस की तरह काम कर रहा है, जो कि अपना SSE चला रहा है, यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज चला रहा है, पैसा मोबिलाइज करेगा और खर्च करेगा। ध्यान रखना कि जो NPO है वो पैसा कहाँ से लाएगा, मोबिलाइज करेगा, वो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से मोबिलाइज करेगा या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से करेगा। बट जो तुम्हारा जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है वो तुम्हारा रिटेल इन्वेस्टर से करेगा, क्योंकि कुछ पैसा जाएगा, कुछ पैसा रिटर्न्स के रूप में भी जाएगा वहाँ पे। बात समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 67% जो एक्टिविटी होगा, यानी कि तुम्हारा इसका जो एक्टिविटी होगा, चाहे वो NPO का एक्टिविटी हो, ये कम से कम लगभग 70% तुम्हारा जो चीज़ बोला गया है उसी चीज़ में खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए बोला गया है कि हम इनइक्वलिटी में खर्च करना चाहते हैं, हम इसमें खर्च करना चाहते हैं, उसी में खर्च होना चाहिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट देखो, जैसे कॉरपोरेट फाउंडेशन हुआ, पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशन हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या हाउसिंग कंपनी हुआ, ये सब सोशल इंटरप्राइजेस के रूप में नहीं आ सकता है। कोई बोलेगा कि हम पैसा मोबिलाइज करके कोई हम मंदिर बनाना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। बात समझे? मगर हाँ,
एक चीज एक्सेप्शन रखा गया, अफोर्डेबल हाउसिंग। क्यों? घर किसी का बना देना वो तो पॉजिटिव चीज है ना, किसी को छत देना तो पॉजिटिव चीज हो सकता है, गरीब के लिए छत बना के दे दिए, तो उस चीज को रखा गया। बाकी ये सब चीज को हटा दिया गया। यदि प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाना है, ट्रेड एसोसिएशन बनाना है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कॉर्पोरेट फाउंडेशन करना है, ये सब चीज को हटा दिया गया है। स्टूडेंट इसको नहीं, इसको एसएससी में नहीं मिलेगा लिस्ट में। यदि इसके लिए मोबिलाइज करो तो पैसा नहीं मिलने वाला है, जो बात है सभी मना कर देगा, फिर समझते जाओ इस चीज को। हाँ, एनपीओ देखो, जैसे कि मान लो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनएलिजिबल हो जाएगा यदि वो बोलेगा कि कॉर्पोरेट से हम 50% ज्यादा फंडिंग लेंगे। अब कॉर्पोरेट, एक कॉर्पोरेट क्या कर रहा है, 50% कॉर्पोरेटिव 50% ज्यादा फंडिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, पूरा गैरकानूनी है। कॉर्पोरेट 50% ज्यादा फंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें फंडिंग का तरीका दो है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल फंडिंग करे या फिर तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट ये 50% ज्यादा दे रहा है, नो यू कैन डू दिस, क्योंकि 50% ज्यादा देगा तो हो सकता है सेल कंपनी वाला बात आ जाए उसमें, फिर समझ रहे हो ना, सब चीज को लिंक करते हुए किया गया है स्टूडेंट। इसलिए एंड जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इनएलिजिबल हो जाएगा यदि अपने कॉर्पोरेट्स पे 50% ज्यादा फंडिंग डिपेंडेंट है, तो ये जानबूझ के, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल वाले पैसा देंगे और अलग अलग लोग देंगे, एक ही नहीं, कॉर्पोरेट्स पूरा 50% भर दिया और उसी में इंजॉय कर रहा है, तो गलत इंटेंशन हो सकता है। आगे देखो तो कैसे रेस करेगा एनपीओस, मैं बता चुका हूँ ये तुमको, ये जो नॉट प्रॉफिट, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे मनी रेस करेगा। देखो, रेस करेगा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जारी करके, वही प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स से, या फिर पब्लिक इशू करके, या फिर म्यूचुअल फंड से ही पैसा उठा सकता है ये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। इधर देखो, इधर ध्यान दो बच्चा लोग, पढ़ा होगा तुम लोग, जब कोई भी बॉन्ड जारी किया आता है तो बॉन्ड के साथ डिविडेंड मिलता है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलता है, मतलब एक कागज जारी किया गया, पैसा दिया, जैसे हम जारी किए पेपर, तुम रख लिया, पैसा दिया हमको, तो तुम्हारे और मेरे बीच में अग्रीमेंट होगा कि 6 महीना बाद तुमको चाहिए डिविडेंड, चाहिए इंटरेस्ट, चाहिए, या फिर 1 महीना बाद चाहिए, तुम्हारे मेरे बीच में अग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद मान लो कि मैच्योरिटी 3 साल के लिए है, तो 3 साल बाद फिर प्रिंसिपल अमाउंट तुमको देना पड़ेगा, फिर कागज़ तुम दोगे, हम पैसा फिर तुमको दे देंगे। इसमें क्या है, जीरो कूपन, आपको ना ही इंटरेस्ट मिलेगा ना ही आपको प्रिंसिपल मिलेगा, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो आप कमाने के लिए नहीं दे रहे हो, आप किसके लिए दे रहे हो, फिलंथ्रोपिक वर्क के लिए दे रहे हो, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए दे रहे हो, सोशल इक्वलिटी के लिए दे रहे हो। इसलिए क्या है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल है, ना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना ही आपको मूलधन मिलेगा, इसे कोई मैच्योरिटी नहीं है, कभी पैसा नहीं मिलेगा आपको रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन पॉजिटिव है, आप पैसा दे रहे हो ताकि सोशल कॉज के लिए आप काम कर सको, इसलिए, समझ गए ना। हाँ, इस देखो, यही जीरो कूपन और नो प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, यानी कि कोई प्रिंसिपल उन तक नहीं मिलेगा आपको। कन्वेंशनल बॉन्ड में क्या होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है ना बॉन्ड पे, या फिर तुम्हारा कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है कि कितना मिलेगा, 2 महीने के लिए मिलेगा, 3 महीने के लिए, इस तरह बॉन्ड पे होता है। बट यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा प्रिंसिपल, ना ही तुम्हारा इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखो वही बोला कि हाँ, तो क्या मिलेगा तुमको, सोशल रिटर्न, ये प्रॉमिस मिलेगा कि हाँ, तुम जो पैसा दे रहा है पक्का हम इक्वलिटी लाएंगे सोसाइटी में, पक्का हम इम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे जिसके लिए तुम पैसा दे रहे हो, यही सोशल प्रॉमिस। ये बेटर है, इसलिए बेटर है कि अभी कई लोग पैसा देना चाहते हैं अपना, पर सही जगह पैसा नहीं जा पाता है, धांधलीबाजी हो जाता है, तो इसलिए किया गया ये सब चीज़। हाँ, ये जरूरी है कि एनपीओ जितने भी रजिस्टर किए हैं एसएससी के लिए कि हम इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज चलाएंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव स्पेसिफिक टेन्योर होना चाहिए कि चलो कितने मंथ के लिए। अरे भाई, जो तुम इशू कर रहे हो 5 महीने के लिए है, तो 5 महीने के लिए, तो 5 महीने में तुम रिजल्ट दिखाओ उसको। यदि तुम 5 मंथ के लिए कर रहे हो तो 5 मंथ में तुम पैसा आएगा, 5 मंथ में कुछ करके फिर अकाउंटेबिलिटी दिखाओ कि हमने 5 मंथ में देखो ये काम किया है, आपको दिखाना पड़ेगा हर समय, बात समझे ना। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको बताना होगा कि इस चीज़ के लिए हम पैसा उठा रहे हैं, जैसे मिनिमम साइज कितना है, 1 करोड़ तक हो सकता है ये, ठीक है। जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल वाले लोग सब है वो 2 लाख तक दे सकते हैं। आगे देखो, तो व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड्स। देखो, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड मतलब कितना डेवलप्ड हुआ चीज़, हम जो पैसा जो खर्च किए, जो पैसा हम दिए, पैसा मिला है कि नहीं मिला, वो कहाँ तक खर्च हुआ, उसके लिए तुम्हारा क्या होगा, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ और जो पहले प्री अग्रीड सोशल मैट्रिक्स था कि देखो भाई तुम्हारा इतना इतना पैसा आएगा तो हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे, उसके हिसाब से आउटकम फंडर्स को रिफर किया जाएगा। आउटकम फंडर्स मतलब क्या, कि जो जो पैसा गया है उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो वो हर समय पट्टी पर रहेगा, वहाँ
और तुम्हारे जैसा मेरे जैसा आदमी जो पैसा खर्च किया होगा उसमें, वो तुम्हारा आउटकम फंडर्स को जाके देख सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि जिस चीज़ के लिए पैसा हम उठाए थे वो पैसा हम कहाँ कहाँ खर्च किए, तो वो इसका एक कागज पत्र है, एक पत्र है वो दिखाने के लिए, समझ गए। डोनर्स हु मेक इट्स ग्रांट, देखो जिसने ग्रांट दिया उसको अपन अचीविंग द सोशल मैट्रिक, यानी कि सोशल मैट्रिक जब कंप्लीट हो गया, सोशल मैट्रिक मतलब इक्वलिटी के लिए काम हो गया, डिसेबिलिटी के लिए काम हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम हो गया, एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काम हो गया, तो वो आराम से आउटकम फंडर में जाकर देख सकता है कि कितना हमारा पैसा का सदुपयोग हुआ है। देख रहे हो इतना बढ़िया से बनाया गया है। तो ये चलो ये हो गया, ये NPOs कैसे मनी रेस कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट द प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस, ये बोले थे ना प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस में तुम्हारे जैसा मेरे जैसा आदमी रिटेल इन्वेस्टर दे सकता है, सही बात है ना। उसमें 1 करोड़ और 2 करोड़ तुम्हारा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल दे सकते हैं। इसमें देखो क्या है कि जो इसके लिए रूल्स थोड़ा फ्लेक्सिबल है, उसके लिए रूल बहुत तगड़ा है, क्योंकि NPO का ज़्यादा धांधलीबाजी होने का चांस होता है, इसमें तो कमाना भी है इसको, तो इसके लिए रूल्स थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इसके लिए जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है उसको जरूरी नहीं कि उसको नीड नॉट रजिस्टर विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रजिस्टर्स, यानी कि जब तक वो फंड नहीं उठा लेता है तब तक उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो कर लेगा तब रजिस्टर करने की जरूरत है, यानी कि पूरा मोबिलाइज करने के बाद भी SSC से रजिस्टर करवा सकता है, बाद में भी रजिस्टर करवा सकता है, वो पहले करवाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली प्रॉफिट के लिए है, नंबर 1। हाँ, इसके लिए देखो बहुत सारे देखो छूट है, जैसे इट मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ICDR रेगुलेशन वाइल रेजिंग थ्रू द, हाँ बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए करेगा तो कुछ कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना होगा इसको भी। ये जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है कैन रेज मनी थ्रू द इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर से भी कर सकता है, या फिर इक्विटी शेयर्स को जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, या सोशल इम्पैक्ट फंड हो गया, या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसके पास बहुत तरीका है पैसा मोबिलाइज करने का। तो इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बहुत आसान है, ये सब तरीका है शेयर मार्केट में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जारी करके जो हम करते हैं, ये बहुत तरह का विधि से ये पैसा को मोबिलाइज कर सकता है इक्विटी शेयर से और बहुत तरह तरीके से। व्हाट अबाउट द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का क्या है? सेबी ने कहा है कि जो भी सोशल इंटरप्राइजेस है उसको एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देना होगा आपको पूरी तरीके से फॉर्मेट में, कि आपने जो पैसा मोबिलाइज किया वो कहाँ कहाँ खर्च किया, तो अच्छे से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में देना है आपको। द रिपोर्ट मस्ट बी ऑडिटेड बाय, अब वो उस रिपोर्ट को एक सोशल ऑडिट फॉर्म भी देखेगा कि भाई ये जो पैसा खर्च किया सही किया कि नहीं किया, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगा, वो चेक करेगा उसको, बात समझे। और फिर 90 डेज के अंदर सबमिट करना होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है उसके अंदर 90 डेज है, उसे पहले देना होगा, यानी कि टाइम है, टाइम के साथ आपको पहले रिपोर्ट कर देना है। सिंपल, जैसे लिस्टेड, जैसे देखो जितने भी NPOs है उसको क्वार्टरली दिखाना होगा, उसको क्वार्टरली दिखाना होगा, बट उसको क्या है तुम्हारा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि PSE वाला जो है तुम्हारा उसको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, बट NPOs है उसको क्वार्टरली बेसिस पे दिखाना होगा, बात समझे। ऑन द क्वार्टरली बेसिस आर स्पेशली रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स अबाउट द मनी दे हैव रेज कैटेगरी वाइज, यानी कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना उसने रेज किया, कितना सोशल इक्वलिटी के लिए किया, कितना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया, वो सब अलग दिखाना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कितना यूटिलाइज किया, कितना अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, सब तुमको तुम्हारा चार चार महीना में दिखाना होगा। तो NPOs के लिए जो रूल्स है वो तगड़ा है और उसके लिए थोड़ा सा लिबरल है, समझ में आ गया ना, यही तुम्हारा SSC है। आगे देखो, म्यूजिकल चेयर्स इन नेपाल, है ना, इंडिया को इसी से ना वो रहना चाहिए, इंडिया को ना हाथ नहीं जलाना चाहिए, जैसे 2015 में हाथ जला दिया था इंडिया ने वहाँ पे जाकर कीड़ा करके नेपाल में। तो यहाँ पे देखो, ये 4 मार्च 2023 में आया था, ये क्या है देखो म्यूजिकल चेयर्स इन नेपाल, अरे पटरी कोई भी एक सिंहासन पर बैठ ही नहीं रहा, तुरंत उतर जा रहा है। देखो जैसे एग्जाम्पल आगे देखो तो एक फिगर है तुम्हारे नेपाली कांग्रेस CPN और CPN मोइस सेंटर, दिख रहा है तुम लोग को फिगर, देखो नेपाली कांग्रेस, ठीक है, सब जरा सीट नेपाली कांग्रेस को ही मिला है, उसके बाद CPN को मिला है, और CPN जो मोइस सेंटर है ये प्रचंडा नाम है इसका, ये तुम्हारा बीच वाला जो है इसका नाम ओली है, और ये है शेर बहादुर है इधर वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, ये तीन जो पार्टी है सबसे बड़ा पार्टी है नेपाल का। दिख रहा है इधर देखो तो ये फिगर दिख रहे हो ना, ये वाला फिगर है, 275 सीट है नेपाल, उसमें से जो बहुमत में नेपाली कांग्रेस है। अब देखो स्थिति इतना खराब हुआ, देखो इस बार इलेक्शन में ना नेपाली कांग्रेस और CPM मोइस सेंटर जो है वो साथ में चुनाव लड़ा, ठीक है, साथ में चुनाव लड़ा, नेपाली कांग्रेस ज़्यादा आया और CPM का वही 32-33 सीट आया, कुछ ऐसे कम आया, और CPN UML का भी अच्छा खासा आया सीट। अब हुआ क्या कि नेपाली कांग्रेस ज़्यादा आ गया क्योंकि ये तुम्हारा गठबंधन का सरकार, गठबंधन से लड़ा था, इसको बोलते हैं प्री पोल अलायंस,
यानी कि इलेक्शन से पहले ही अलायंस कर लिया था, पोस्ट पोल अलायंस नहीं हुआ था, प्री पोल अलायंस। जब प्रचंडा को पता चला मोइस सेंटर की इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा, तो ये क्या किया कि नेपाली कांग्रेस को छोड़ दिया प्री अलायंस को, और ये चला गया तुम्हारा इसके बाद इसके साथ, और एपी ओली के साथ चला गया, बीच में सीपीएन यूएमएल के साथ चला गया, पोस्ट अलायंस कर लिया। अब इसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तुमको हम, कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर रोटेशन होगा, तुम्हारे बाद हम ही रहेंगे। तो 5 साल के लिए थोड़ी बनाया गया लोग को, 32 सीट आया, 5 साल के लिए हैसियत है इसका बनने का। अब इसके बीच में क्या हुआ कि सीपीएन जो मोइस सेंटर है प्रचंडा, प्रचंडा ने प्रेसिडेंट के लिए ना नेपाली कांग्रेस का आदमी को चुन लिया प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल पोस्ट है, उसके लिए सीपीएन जो दिया था समर्थन वो वापस ले लिया। अब फिर दूसरा पार्टी बन गया, अब फिर दूसरा कोलिशन बन गया। देख रहा है यही सब चीज हो रहा है नेपाल में, ये अभी से नहीं बहुत दिन से चल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन देखो स्टूडेंट, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ का जो संविधान है ना उसमें मेथड गलत है, उसमें पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम ये याद कर लेना। इसका मतलब होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीता। जैसे इंडिया में क्या है कि 4 गो कैंडिडेट उठा, किसी को 32% नहीं मिला तो वो जीत जाएगा, होता है ना ऐसा, जेडी के 50% मिले। तो हमने इंडिया में क्या किया कि ओनली पास पोस्ट फर्स्ट सिस्टम अपना लिया, हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है तुम्हारा कि कितना शेयर मिला, वोट के हिसाब से चुना जाता है। तो नेपाल में दोनों सिस्टम है, इंडिया वाला भी सिस्टम है और इजराइल वाला भी सिस्टम है। इजराइल वाला मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं, कई सीट के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा और कई सीट के लिए तुम्हारा फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम होगा। तो फंस जाता है, यहीं पर फंस जाता है नेपाल यहीं फंस जाता है। यदि नेपाल में भी फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम इंडिया की तरह होता तो आसानी से निकल जाता बहुमत उसका भी, मैं यहाँ पर फंस जाता है सीट, समझ गए। अब देखो हुआ क्या, इस बीच में क्या हुआ, ये क्या है, क्यों म्यूजिकल चेयर कहा जा रहा है। देखो लास्ट कोलिशन बना, बताए थे ना लास्ट कोलिशन जो बना 2022 में बना, हाँ जस्ट 2 ही मंथ हो पाए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब केपी शर्मा ओली, ठीक है, देखो अब यूएमएल लीडर का जो यूएमएल लीडर है तुम्हारा केपी शर्मा ओली, ठीक है, वो हटा दिया उसको, पुष्पा कमल दहल प्रचंडा जो है उसके साथ हट गया, जो पहले शुरू में था ना पोस्ट अलायंस बना था उसको छोड़ दिया साथ में। क्यों, प्रचंडा ने क्या बोला, और देखो प्रचंडा के साथ ऐसा नहीं कि नया चीज़ है, प्रचंडा के साथ ये 2018 में भी गठबंधन बनाया था, फिर उसका फिर टूट गया। रिसेंटली इलेक्शन में क्या हुआ कि नेपाली कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी बना, वही शेरबहादुर का जो था 89 सीट्स मिला, मोइस्ट को तुम्हारा वही जो थर्ड वाला 32 सीट मिला है, और कुछ अच्छा खासा सीट तुम्हारा इसको भी मिला, केपी ओली को भी मिला। अब देखो पावर शेयरिंग हो रहा है, प्रचंडा देखो ऊपर नीचे कोलैप्स कर रहा है। आगे देखो ये क्या है, रैंक अपॉर्चुनिटी में तुमको दिखता है कि यानी कि पोस्ट लेने के लिए, प्राइम मिनिस्टर का पद लेने के लिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद लेने के लिए आइडियोलॉजी कोई भाड़ में जाए, आइडियोलॉजी तुरंत चेंज हो रहा है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे दिसंबर 26 तारीख को प्रचंडा प्राइम मिनिस्टर बना, हाँ ये रिटर्न में इसने बोला कि ठीक है हम ईएमएल को ना हम हाउस स्पीकर और प्रेसिडेंट बना देंगे, ये उस समय बोला। मगर देखो 6 और भी पार्टी ज्वाइन किए इस कॉलिशन को, और भी छोटे छोटे पार्टी हो गए, जैसे राष्ट्रीय प्रजनता पार्टी हो गए, 14 सीट जीता था वो, जबकि इसका क्या था कि ये प्रो मनार्की और प्रो हिंदू एजेंडा को स्पॉस करता था, यानी कि रखता था। अब देखो जितने भी, कहने का मतलब जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था सब मटेप्लित कर दिया इन लोगों ने, ऐसे ऐसे पार्टी साथ मैच किया जिसके साथ आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देखो ना, कांग्रेस बीजेपी के साथ आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे, जो कि कभी नहीं होगा हिंदुस्तान में ऐसा, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो तो वही बोल रहा है कि जैसे देखो एग्जांपल देखो, राष्ट्रीय प्रजनता पार्टी हो गया, ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हो गया, वो पहले कुछ और बोल रहा था, अभी जो अपॉर्चुनिज्म है उसमें घुस गया वो, कि हमको भी मिल जाएगा कुछ, ये इसलिए किया गया क्योंकि दोनों पार्टी को बोला कोई बात नहीं बाबू, ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर तुम ही ना बनेगा, आ जाओ एक। तो देखो अभी क्या है कि देखो 4 ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर का वचन दिया है, लोग 4 ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोला कि कुछ मोइस से बनेगा, कुछ यूएमएल से बनेगा, कुछ आरएसपी से बनेगा, कुछ आरपीपी से बनेगा। बताओ ये स्थिति है कंट्री का, कहा कि सबको चाहिए प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर सबको तो मिल नहीं सकता है, चलो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, इंडिया में मिला दिया जाएगा, स्थिति खराब है। देखो आइडिया ऑफ नेशनल कॉन्सेंसस प्रेसिडेंसी डिस्टेबलाइज द रिसेंट कोलिशन। अब देखो ये जो है ना, देखो प्रचंडा क्या बोल रहा है, अब प्रचंडा देखो, अब प्रचंडा ने क्या किया, प्रचंडा ने गेम पलट दिया, इसने नेपाली कांग्रेस का कैंडिडेट है रामचंद्र पौडवाल को, जो आज बन गया है, अभी जस्ट न्यूज में चल रहा है,
रामचंद्र पडवाल को प्रेसिडेंट बोला कि हम रामचंद्र पडवाल को हम चुनेंगे, जबकि इसको चुनना चाहिए था उससे, ओपी ओली जो ओपी ओली था तुम्हारा सेकंड पार्टी, उससे चुनना चाहिए था, या कांग्रेस का चुन लिया इसने जिसके साथ पोस्ट अलायंस था, बाद में उसे टूटा है, मैं उसको चुना है इसने, जैसे चुना है दिमाग खराब खराब हुआ, यूएन बोला कि ये तो धोखा है, अधोखा बोल के कोलिशन तोड़ दिया, ये टूट गया ये तुम्हारा। हाउएवर देखो आरपीपी अदर मेंबर्स डिक्लाइन टू फॉलो अनाउंसिंग, अब देखो दूसरा जो आरपीपी सब आया है, अभी आरपीपी सब आया ना, वो बोला नहीं 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 ओली का बात नहीं मानेंगे, ये प्रचंडा ही ठीक है, ये सही बोल रहा है, पोडाल बनेगा। तो यहाँ पे जो टूट के आया था 14 सीट वाला 20 सीट वाला, वो भी प्रचंडा को ही सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ गया ओपी ओली का गया, जो कि ओपी ओली बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में है, आई मीन अच्छा खासा उसका सीट है। तो इलेक्शन कमीशन ने देखो अनाउंस किया कि चलो ठीक है 9 मार्च को होगा, देखो आज था ना 9 मार्च, आज चुन लिया गया इसको, अब इसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट का होगा, देखना उसमें भी बवाल होगा, ठीक है। उस बाद देखो उसने क्या किया, यूएमएल ने क्या किया, नहीं हमारा स्पीकर जो सुभाष निम्बांग है वो तुम्हारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा, तो उसको तो कोई नहीं बनाया क्योंकि पडवाल बन गया है तुम्हारा। तो इस तरह देखने आप देखो मिस्टर पडवाल, वही तो लग रहा है कि 3/4 ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज से जीत जाएगा, जो कि आज हो गया जीत गया, क्योंकि अनुमान लगा लिया गया तो जीत जाएगा वो, आज वही हुआ है। स्थिति देख रहे हो स्टूडेंट, कुछ भी हो रहा है ना इस कंट्री में, गिर रहा है उठ रहा है, प्रेसिडेंट कोई बनना था क्योंकि कोई बन गया, कहीं कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। तो मैनेजिंग नेगोशिएशन बिटवीन द कंपीटिंग डिमांड्स विल बी डिफिकल्ट फॉर प्रचंडा, और प्रचंडा के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ कि कैसे करे, किस तरह इस सब पार्टी को साथ के लेके चले और प्राइम मिनिस्टर बन के चले, प्रचंडा के लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला है, ये प्रॉब्लम है। देखो दिस इज हिज थर्ड स्टिंट एज अ प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर है अभी तक का 2008 के बाद, ठीक है। ये पावर में जैसे आया उसके बाद देखो कोलैप्स, एक ईयर के अंदर ही, वन ईयर के अंदर ही कोलैप्स हो जाता है प्राइम मिनिस्टर, इसको रहता है 6 महीना 8 महीना रहता है, फिर कोलैप्स हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। सेकेंड और थर्ड टाइम्स है प्योरली अपॉर्चुनिटी गैम्बल, देखो ये तो पूरा अपॉर्चुनिटी है कि केपी ओली के साथ मिला 2018 में भी मिला, 2000 मिला नहीं बताए थे ना, वो पहले भी मिला था और अभी भी मिला, अभी भी चला गया, तो ये बार बार अपना हाथ जला रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यूजिकल जो चेयर है इस तरह का जो फेनोमेना नया नहीं है, 2008 के बाद ही देखोगे तुम ये सब चीज़ हो रहा है। नेपाल देखो डिक्लेयर हुआ रिपब्लिक, यानी कि किंगशिप का तुम्हारा खत्म हुआ 2008 में, उसको रिपब्लिक बना, और बार बार इस तरह का म्यूजिकल चेयर तुमको दिखेगा कि कोई भी आके म्यूजिक बजा रहा है चेयर में, यानी कहने का मतलब कोई भी आके प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कभी भी छूट जा रहा है, डेट इज कॉल्ड म्यूजिकल चेयर। 15 साल में देखो 15 साल में 3 नेपाली कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2 मोस्ट प्राइम मिनिस्टर बना है, 3 यूएमएल प्राइम मिनिस्टर बना है, और चीफ जस्टिस खुद टेड के कर प्राइम मिनिस्टर बने थे 2013 में। ये स्थिति है कंट्री का, इसे देखो मोदी जी देखो इतना बड़ा कंट्री का 10 साल आराम से ले लिए, और ये फिर 5 साल लेंगे, 15 साल हो जाएगा इनका अच्छे से। तो उस चीज़ को लेकर तो हम बहुत अच्छे हैं, और इसमें कुछ भी होता है ना ऊपर नीचे तो डायरेक्ट बोल देता है कि फोन इन हैंड का ये है, बाहर का आदमी का हाथ है प्रॉब्लम यही लोग का, मैं कुछ भी हो जाएगा तो पब्लिक को फिर इंडिया का बदनाम कर दिया जाता है वहाँ पे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इंडिया शुड फोकस, इसलिए इंडिया को ना खाली कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट में ही फोकस करना चाहिए, म्यूजिकल चेयर पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है। रिसेंट टाइम में देखो इंडिया ने प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया है, जैसे एग्जांपल देखो जयनगर बार्दीबास रेलवे और मोतिहारी अमलगंज ऑयल पाइपलाइन पे काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, काम कंप्लीट हुआ है, इसी तरह काम होना चाहिए। पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम नेपाल हैज पिक अप, अच्छा पावर एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है दोनों के बीच में, जैसे देखो एग्जांपल देखो पावर ट्रांसमिशन भी बढ़ रहा है, 400 kV तुम्हारा मुजफ्फरपुर और दलका बार लाइन भी बिछा है तुम्हारा, वो बेटर है, पहले 400 से अब 800 मेगावाट हुआ है, 900 मेगावाट अरुण ट्री वो भी ऑपरेशनल होने वाला है 2023 में, अच्छा है ये कनेक्टिविटी बेटर है। तो गुड नेबर पॉलिसी होना चाहिए इंडिया का फोकस, जो गुड नेबर पॉलिसी में इंडिया का फोकस होना चाहिए खाली कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट का, ये म्यूजिकल चेयर पे ध्यान नहीं दे, नहीं तो फिर वो विदेशी हाथ बोल के फिर बदनाम कर सकता है भारत को। इसलिए भारत को ना केवल डेवलपमेंट पे जो भी पाइपलाइन हो रहा है वो उस पे बेटर ध्यान है, वो उसी पे ध्यान रखना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन एनवायरनमेंट पोल्यूशन डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इंडियन एक्सप्रेस में आया था 4 मार्च को 2023 को। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट समझना है कि फॉरेस्ट का ना अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी टिम्बर प्रोडक्शन होना चाहिए। टिम्बर समझते हो ना, जिससे तुम्हारा बनता है बेड वगैरह बनता है, टिम्बर से ही बनता है, काठ से बनता है, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो बिफोर गोइंग इनटू द फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस पहले सस्टेनेबिलिटी देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो डिफॉरेस्टेशन बुरा चीज़ है, नहीं काटना चाहिए जंगल, नहीं काटना चाहिए, बट
वन एज के बाद ना फॉरेस्ट भी बूढ़ा हो जाता है, तो फॉरेस्ट को काटना ही चाहिए, वो बेटर है, बट वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए कि कौन सा फॉरेस्ट को काटना है। ऐसा नहीं कि जवान फॉरेस्ट को काट दे, क्योंकि जवान फॉरेस्ट काटोगे तो उसमें कार्बन सिंक ज़्यादा है, वो कार्बन को ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है, कार्बन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, बट उसको मत काटो। जो फॉरेस्ट का एज चला गया है, ट्रीज का उम्र हो गया, उसको काटना है, डेट्स कॉल्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो वही देखो, स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि हम सस्टेनेबल मैनर में प्रोडक्ट्स को नहीं निकाले, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज नेसेसरी है हेल्दी फॉरेस्ट के लिए, वो काटना भी जरूरी है हेल्दी फॉरेस्ट हो इसलिए, क्योंकि ट्रीज का भी अपना लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो डाई हो जाता है, वो डीके हो जाता है, तो उसको हटा लेना चाहिए, काट लेना चाहिए। आफ्टर ए सर्टन एज कैपेसिटी जो ट्रीज का होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का, वो भी खत्म हो जाता है, तो उस समय उसको काट लेना चाहिए। और उस समय यदि काट रहे हो तो वो डिफॉरेस्टेशन नहीं है, वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है तुम्हारा। जैसे यंगर ट्रीज ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पाता है, कैप्चर कर पाता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि यदि तुम आग बंद करके इनडिस्क्रिमिनेट काटे जा रहे हो और ये नहीं देख रहे हो कौन सा बूढ़ा पेड़ है कौन सा जवान पेड़ है, तब जाके तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहोगे। बट यदि कोई बूढ़ा हो गया है तुम्हारा ट्रीज, उसको यदि काट रहे हो, तो दैट इज़ अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, समझ गए ना। अब देखो, टू मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस चीज़ के लिए, दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पेड़ को काटना चाहिए। वर्ल्ड में दो स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, समझ लेना अच्छे से, दो स्टैंडर्ड है, टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जहाँ पे हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करते हैं फॉरेस्ट का या फॉरेस्ट का प्रोडक्ट्स को, उसके लिए दो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड बोलते हैं FSC, इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉरेस्ट स्टेवर्डशिप काउंसिल। ये तुम्हारा जर्मनी का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, सब जरा यही यूज होता है। ये कब बना था, 1992 में बना था, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, PEFC, यानी कि प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। ये स्विट्जरलैंड का है, जो कि 1997 में बना था, पहला 1992 में बना था, ये 1997 में बना था, सेकंड वाला क्या है, स्विट्जरलैंड का, लिख लो, इन्फॉर्मेशन कहीं पे है नहीं है, सब चीज़ बात समझ में आ गया ना। तो ये दो स्टैंडर्ड है, समझ गए। अब मैं बोलूँगा FSC और मैं बोलूँगा PEFC, समझ लेना तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। FSC समझ गए, फॉरेस्ट स्टेवर्ड काउंसिल, जो कि बोन तुम्हारा काउंसिल, यानी कि जर्मनी का है, और सेकंड क्या है, स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड का कब, 1997 बना था, जर्मनी का कब बना था, 1992 बना, यानी कि ये दो स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉरेस्ट क्या होगा, तुम्हारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा, फॉरेस्ट को काटा जाएगा इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। बट देखो, ये स्टैंडर्ड खाली स्टैंडर्ड लिखता है, बट ये भी थर्ड पार्टी को ही बोलता है ऑडिट करने के लिए, थर्ड पार्टी को ही बोलता है, जो भी एफिलिएटेड होता है। देखो एग्जांपल, देखो यहाँ पे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे FSC का बात हो या PEFC का बात हो, ये केवल डेवलपर है, ये स्टैंडर्ड है। जैसे स्टैंडर्ड, जैसे एग्जांपल देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे ISO सर्टिफिकेशन होता है ना, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन इंटरनेशनल होता है, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड BIS होता है, इस तरह का ये स्टैंडर्ड देता है। वो एग्जांपल लिखा गया कि ये भी एक स्टैंडर्ड से जाता है फॉरेस्ट के लिए, कि फॉरेस्ट में किस तरह मैनेजमेंट होना चाहिए, तो यही स्टैंडर्ड फिक्स करता है। जैसे देखो ना, अभी ज्वेलरी जाओगे लाने के लिए तो BIS का होता है ना, वहाँ पे हाँ हॉलमार्क रहता है, ISO का सर्टिफिकेट रहता है, इसे क्या पता चलता है कि कितना स्टैंडर्ड है वो चीज़, तो ये स्टैंडर्ड के लिए काम आता है। वही एग्जांपल दिया गया है, देखो ये कभी भी इवैल्यूएशन और ऑडिट नहीं करता, ऑडिट के लिए तुम्हारा फॉरेस्ट मैनेजर या ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर को ये चुनता है, और इसके हिसाब से वो काम कर रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये रैंकिंग देने वाला है, रैंकिंग के लिए थर्ड पार्टी ही करेगा, बट इसके आधार पर होना चाहिए, इसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। बट जो तुम्हारा ऑडिटिंग और इवैल्यूएशन ये नहीं करता, कौन करता है, वो फॉरेस्ट मैनेजर्स करेगा, जिसको ये नियुक्त करेगा, जिसके साथ ये एफिलेटेड रहेगा, समझ गए। ये अभी आएगा थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन और ऑडिटिंग प्रोसेस क्या है तुम्हारा, इज द जॉब ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी, यानी कि जिसको भी दे दिया इसने, FSC ने या PEFC ने जिसको जिम्मेदारी दिया है, उसका काम है ऑडिट करना या इवैल्यूएशन करना। टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन, देखो दो तरह का सर्टिफिकेशन मिलता है, एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन मिलता है कि फॉरेस्ट कितना अच्छे से मैनेजमेंट किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, दूसरा जो सर्टिफिकेशन होता है वो चेन ऑफ कस्टडी होता है, जिसको COC कहते हैं। COC का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल टिम्बर, वो स्टार्टिंग से लेकर मार्केट तक कैसे आ रहा है, कहाँ से काटे थे, कौन सा फॉरेस्ट से काटे थे, कौन सा प्रोसेस से गुजरा है, वो COC देखता है। अब फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब कैसे आपने मैनेज किया है, कोई यंग ट्रीज को तो नहीं काटा आपने, ये स्टैंडर्ड देगा। जैसे एग्जांपल FSC और PEFC, ये स्टैंडर्ड देगा, और जो भी थर्ड पार्टी है जो कि स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, वो देखेगा कि जो काटा है वहाँ से, जो फॉरेस्ट काटा है वो सही काटा कि नहीं काटा है, और दो तरीके से वो देगा वहाँ पे, समझ गया ना। आगे देखो, व्हाट अबाउट द फॉरेस्ट सर्टिफिकेट इंडिया में क्या है। देखो इंडिया में भी सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री 15 साल से काम कर रहा है,
अब प्रेजेंट में एकमात्र स्टेट है जहां पे ये लागू है, वो उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश में भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। 41 डिवीजन हुआ यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, 41 डिवीजन ही ये नाम है, इसको PEFC सर्टिफाइड है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को PEFC ने सर्टिफाइड कर दिया कि भाई तुम ही है जो ऑडिट करेगा, जो भी फॉरेस्ट कटेगा यूपी में तुम ऑडिट करेगा इसको। ये थर्ड पार्टी बनाया गया है और जो कि PEFC का सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करेगा PEFC, उसके हिसाब से 41 डिवीजन ऑफ यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को काम करना होगा। समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा थर्ड पार्टी है, कहा गया ना वहाँ पे किसी भी मैनेजर को दे सकता है, फॉरेस्ट मैनेजर को दे सकता है, वही दे रहा है इसको। एंड दिस स्टैंडर्ड देखो इसने किसने डेवलप किया, न्यू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट नेटवर्क फॉर द सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन। और ये जो स्टैंडर्ड जो डेवलप किया वो NCCF ने किया, बट ये जो NCCF है वो पूरी तरीके से तुम्हारा जो मेन बॉडी है वर्ल्ड का उसको फॉलो करता है, उसके हिसाब से इसको दिया जाएगा। समझ में आ गया ना तुम लोग को? इंटरवेनिंग पीरियड में देखो और भी बहुत सारे डिवीजन, जैसे महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसने भी FSC सर्टिफिकेशन लिया है, बट उसका जो एक्सपायरेशन खत्म हो गया है और खत्म होने के बाद रिन्यू नहीं किया, ऐसे बैठा हुआ है, इस चीज को लेकर प्रॉब्लम हुआ है। देखो इंडिया क्या बोला कि हम केवल प्रोसेस फूड को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस फूड को ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि इंडिया में ना बाहर से टिम्बर आता है, हमको बाहर से टिम्बर खरीदना पड़ता है, ये स्थिति है हमारा। एग्जाम्पल यहाँ पर समझो कि इंडिया केवल प्रोसेस फूड को ही बाहर टिम्बर को भी नहीं बेचता है, बाहर प्रोसेस्ड फूड को बेचता है। इनफैक्ट टिम्बर हार्वेस्टेड फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट, नॉट हमारे पास तो टिम्बर उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि हाउसिंग के लिए, फर्नीचर के लिए हमारे पास खुद नहीं है। डिमांड देखो वुड का कितना है, 150 से लेकर 170 मिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली हमारा है, जबकि तुम्हारा 90 से लेकर 100 मिलियन तुम्हारा रॉ वुड हमें चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें तुमको समझ में आया कि ऑलमोस्ट 85% जो डिमांड है वुड और वुड प्रोडक्ट्स का, वो तुम्हारा ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट से जो बाहर का ट्रीज है। जैसे इस बार देखा था ना फॉरेस्ट वाला रिपोर्ट आया था तो आउटसाइड वाला ट्रीज भी था ना, यानी कि फॉरेस्ट से बाहर का जो ट्रीज है वहाँ से हमारा डिमांड पूरा हो रहा है, यानी कि फॉरेस्ट से नहीं पूरा हो रहा है हमारा, जो फॉरेस्ट से छोड़ के दूसरा जो ट्री है वहाँ से हमारा डिमांड पूरा होता है 85%, और 10% हम बाहर से मंगवाते हैं। तो कहने का मतलब लगभग 50,000 से लेकर 60,000 करोड़ प्रत्येक साल हमारा खर्च होता है वुड पे जो बाहर से आता है, और 85% भी जो इंडिया में वुड आता है वो फॉरेस्ट से नहीं आता है, वो फॉरेस्ट के परिभाषा से तो दूसरा जो फॉरेस्ट है, दूसरा जो ट्री है वहाँ से आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, जो मैन मेड होगा, जो घर से अपना होगा, जो फॉरेस्ट के परिभाषा में नहीं आता होगा उसके लिए। सिंस देखो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्टिफिकेशन सब इसके लिए भी डेवलप किया गया कि क्या क्या इसको फॉलो करना है। देखो सी द डेवलपमेंट इंडिया सिंस 2005 के बाद देखो क्या क्या हुआ। लॉन्ग बिफोर प्राइवेट सर्टिफिकेशन बॉडी, देखो इंडिया में होने से पहले ना बहुत नेशनल स्टैंडर्ड तय किया गया था कि इस तरीके से मैनेज करना है, पहले भी हुआ। जैसे एग्जांपल देखो, एक एक्सपर्ट कमेटी 2005 में बनाया गया था, और उस समय के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था, भोपाल बेस्ड यानी कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि भोपाल में है, उसको बोला गया था कि भाई तुम फॉरेस्ट स्टैंडर्ड तय करो कैसा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा संस्था है ये। मैं उसके बाद आगे गया ही नहीं, बात वो ठप हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। सिमिलरली इस तरह का प्रपोजल 2015 में भी आया था, जहाँ पे PEFC सर्टिफिकेशन इंडिया में वो ऑफर करने का बात था। इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एक ऑफिसर को भी नियुक्त किया था, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि आप यदि करोगे ना तो इससे टिम्बर आपका बढ़ेगा फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से निकलेगा टिम्बर, क्योंकि FSC और PEFC उसके आधार पर आप काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गया ना? आगे देखो स्टूडेंट, तो लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन, देखो मोस्ट ऑफ देम सस्पेंडेड, बहुत सर्टिफिकेशन किया हमारा, ज़्यादातर तुम्हारा क्या हो गया, कुछ ड्रॉप आउट हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, लगभग 1500 तुम्हारा वैलिड COC था, COC था ना जो बताते हैं टिम्बर वाला, जो कहाँ से आ रहा है टिम्बर, ठीक है, जो FSC ने किया था, लगभग 1000 था, वो सस्पेंड हो गया, एक्सपायर्ड हो गया या टर्मिनेट हो गया। 105 एंटिटीज जिसको मिला था COC सर्टिफिकेशन PEFC से, वो भी उसका भी एक्सपायर्ड हो गया। तो भाई बहुत जल्दी से कोलैबोरेशन करके ना एक्टिव करना होगा रजिस्ट्रेशन को, और उसके हिसाब से, क्योंकि फॉरेस्ट कम है क्या भारत में, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेगा तो कितना टिम्बर आएगा, बाहर हमको बाहर से मंगवाना ही नहीं पड़ेगा ठीक से, बात समझ गए ना? तो देखो यहाँ पे रोल ऑफ प्राइवेट सर्टिफिकेशन एजेंसी कम, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसको जिसको दिया इसने, जिसको जिसको तुम्हारा FSC ने या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक जर्मनी का, एक तुम्हारा स्विट्जरलैंड का, वो थर्ड पार्टी ठीक से काम ही नहीं किया, उसने में अन्नाधुन चला दिया। देखो वही बोल रहा है कि प्राइवेट सर्टिफिकेशन एजेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके,
तो ये सीरियस क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि वहाँ पर रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसियल बैठे रहते हैं, वो ठीक से नहीं दिए, ठीक है। वही बोला कि करप्शन है वहाँ पर सर्टिफिकेशन स्पेस में, इसलिए जो फॉरेस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। सरकार तो बोलती है कि इंडिजाइजेशन सिस्टम होना चाहिए सर्टिफिकेशन का, जो कि सिंपल, ट्रांसपेरेंट और इजी हो एडॉप्ट करने में, और स्मॉल फार्मर्स भी इस चीज़ को समझ पाए और ट्री ग्रोअर्स भी समझ पाए, जो ट्री लगा रहा है आदमी वो भी समझ पाए कि इतना ये सिंपल स्टैंडर्ड हो तो हम भी वुड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, टिम्बर प्रोड्यूस करवा सकते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं। बेंचमार्क बिल्कुल इंटरनेशनल तरीके से होना चाहिए, जो कि तुम्हारा ऊपर वाला है जर्मनी वाला या फिर स्विट्जरलैंड वाला। तो पर्पस इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट कि सस्टेनेबल ग्रोन और मैनेज फॉरेस्ट भारत में भी होना चाहिए, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट का जो नीड है वो पूरा हो सके। तो हमें यहाँ काम करना होगा, हमें स्टैंडर्ड फॉलो करवाना होगा यहाँ पे, तब जाके हमारा जो फॉरेस्ट में जो वुड यूज़ होता है, टिम्बर यूज़ होता है, वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से हो सके। समझ गए ना? दैट्स इट।